हेलो दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज नवमी है तो आज दुर्गा पूजा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। होम्योपैथी वाली हमारी डॉक्टर है तो उनसे भी माँ के लिए दवाई लेके आता हूँ। ये आ जाएगा जल्दी ब्लॉग, लेकिन इसके बाद जो आएंगे वो पुराने वाले होंगे और बाकी बात रस्ते में करते हैं। स्टेशन पहुंच चुका हूँ और बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, और विरार स्टेशन पूरा रेनोवेट हो रहा है और देखो क्या तेज बारिश शुरू हो गई है और मैं लोकल तक नहीं पहुँच पाया तो मुझे शरण लेनी पड़ी प्लेटफॉर्म पे। और आजकल क्या है ना, पता नहीं अचानक बारिश हो गई है, मतलब दो दिन से बारिश हो रही है, नवरात्रि में भी बारिश हो रही है और आज नवमी है, अभी भी मतलब धूप भी है बारिश भी है, कुछ अजीब सा मौसम हो गया है। तो ये लोकल है लेकिन ये एसी है भाई, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है तो अपन को एसी में नहीं जाना है। भीड़ हो रही है नवमी के दिन और ये सेकंड क्लास है, चलो इसी में चढ़ जाते हैं। ये स्टाइल होता है कि आगे आप बैग ऐसे लटका लो, नहीं तो पीछे है कि जैसे उतरोगे तो आपको कोई खींच सकता है या पीछे से चोरी हो सकती है, इसलिए बैग सामने। और मैं बोरीवली पहुंच गया हूं अभी और टाइम हो रहा है ये 5:35 और यहाँ गजरे का धंधा बहुत मस्त चलता है, ये मोगरे के फूल का ना। मैं बोरीवली भी रह चुका हूँ, जब बोरीवली रहता था तो यहीं से सब्जी वब्जी लेता था। शोर शराबा बहुत ज़्यादा और मेरी आवाज़ भी कम आ रही, कोई बहुत चिल्ला के बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ताज़े ताज़े फल से लेके सब्जियाँ बहुत अच्छी मिल जाती है तो जब मैं बोरीवली रहता था तो यहीं से लेता था, यहीं पर आके। तो मुझे लालच आ रहा है सेब वेब देख के ना, इतने सारे फ्रूट्स हैं ना, ऐसा लग रहा है सब एक एक किलो ले लूँ, लेकिन अपने को अभी अंधेरी जाना है भाई, अभी ये बोरीवली पहुंचा हूं मैं। ये है मुंबई मेरी जान, तो यहां पे ऐसे ही भागा दौड़ी में और ऐसे ही निकलना पड़ता है, तो कोई बस के लिए लाइन में, कोई यहां पे पूल वगैरह के लिए लाइन में है। ओहो ये है मुंबई। और ये सुरभि बोल के है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा डोसा वोसा मिलता है और यहाँ पे खा चुका हूँ, बहुत अच्छे डोसे मिलते हैं यहाँ पे, कॉफ़ी भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे देसी वाली। अभी यहाँ से मेट्रो स्टेशन चल रहा है, अभी शिंपोली मेट्रो स्टेशन पहुंच गया, फटाफट मेट्रो लेते हैं और अभी 5:50 हो गए और ये टिकट वगैरह लेके पहुंच गया हूँ ऊपर। मेट्रो आ गई है, खुल जा सिम सिम, खुल गया। आप ये देख रहे हो ना, ये साइकिल रखने की जगह है, तो अगर पर्सनल साइकिल लाते हो तो आप यहाँ पे स्टैंड कर सकते हो और इस तरह से रखनी होती है ये। और वहाँ भी एक है, तो मतलब हर डब्बे में दो साइकिलें आ सकती है, तो मस्त है यार। मैं अपने बल्लू को ला सकता हूँ कभी कभी यहाँ पे, मतलब यहाँ लेके आओ और घूमो फिरो, फिर मेट्रो में लोड करो। लेकिन हाँ, बोरीवली जाने में मुश्किल, विरार जाने में मुश्किल हो जाएगी, लोकल में नहीं लेके जा सकते फिर। तो ये देखो, ये मस्त बना हुआ है यहाँ पे। क्लाउडी भी हो रहा है बाद, मतलब बारिश आ सकती है, काफ़ी क्लाउड है तो मतलब रात को ही बारिश आती है, शाम को बारिश आती है, तो मौसम बना हुआ है। चलो मेरा भी स्टेशन आने वाला है और ये आ चुका है और ये इन्फिनिटी मॉल है अंधेरी का, तो मुझे यहीं पे उतारना है। चलो पहुँच गया हूँ, तो कहाँ पे निकले थैंक यू। और ये अंधेरी वेस्ट पहुंच गया हूँ और ये सामने इन्फिनिटी मॉल है, बहुत पुराना मॉल है, जब अपन यहाँ पे रहते थे अंधेरी। और मैं अंधेरी वेस्ट पे भी रह चुका हूँ, चार बंगला लोखंड वाला, ये लोखंड वाला मार्केट के लिए ऑटो ले लिया अपन ने और अंधेरा टाइप हो गया क्योंकि बादल हो रहे हैं। पिक्चर देखने के लिए भी यहीं पे आते थे और माँ भी आई है यहाँ पे पिक्चर देखने के लिए, जब मैं यहाँ पे रहता था लोखंड वाला में चार बंगला में, तो जब माँ ठीक थी, बहुत साल पहले की बात है। और ये पहले अपने घर जैसे ही लगता था, अभी भी घर जैसे ही लगता है कि ये इलाका मतलब भूले नहीं भूलता है, काफ़ी साल रहे हैं और शूट वूट भी किया है बालाजी में मैं जब था, तो कसौटी जिंदगी की वगैरह की शूट होती थी, तो ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह का सीन होता था, तो ये जो पीछे रेस्टोरेंट वगैरह है ना, तो वहीं पे शूट के लिए आना पड़ता था। और सामने ही बालाजी ये टेलीफिल्म्स है और उसके सामने यशराज फिल्म्स है,
तो बालाजी टेलीफिल्म में तो आना जाना रहता था एकदम, मतलब घर की तरह था क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉय थे, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं। ये फेमस लोखंड वाला मार्केट है और एंटर कर चुके हैं अपन तो। और मेरा भी बहुत दिनों बाद आना हुआ है यार, मतलब वहाँ से आना नहीं होता काम काज के चक्कर में। और पहले तो यही था कि चार बंगला में रहते थे टाइम पास करने के लिए, यहाँ पे आ जाते थे शाम को तो कुछ खा पी के निकल जाते थे, घूम के निकल जाते थे। लेकिन भाई अभी विरार पहुँच गए तो वहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। टीवी आर्टिस्ट वगैरह हैं तो बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, शॉपिंग वगैरह करते हैं कभी कभी, किस्मत अच्छी हुई तो फिल्म स्टार भी मिल जाएंगे आपको। तो ये वाला मतलब उस तरह का मार्केट है जहाँ पे आपको सेलिब्रिटी मिल सकती है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, नहीं तो कार में बैठे हुए मिल जाएंगे आपको। और इसके आगे ही सिंगर अभिजीत का घर भी है तो वहीं पे जाना है अपने को दुर्गा पूजा के लिए, उनका पंडाल वहीं पे। तो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक 25 रुपए हो गए। ये सामने ही है, ये है अपना होम्योपैथी की शॉप। और कैसे हो मैम? है 15 साल 20 साल ज्यादा ही है, तब से जान पहचान है। और क्योंकि फैमिली डॉक्टर टाइप ही है डॉक्टर नीता। 7:05 हो गए तो मैम मिल गई थी तो दवाई ले लिया और माथे ले लिया, सबसे जरूरी वो है। तो सारे रिपोर्ट वगैरह दिखाए मैंने, अभी एक हफ्ते के लिए दिया है तो जिस तरह के परफॉर्मेंस होगी उसके बाद फिर आगे का देखा जाएगा कि वो चेंज करेंगी या क्या करेंगी। और अभी चलते हैं हम लोग दुर्गा पूजा की तरफ। और इस वाले बस में भी काफ़ी सफ़र किया है, 266 की बस है जो अंधेरी स्टेशन से आती है। तो पहले जब 99 में मितेश और मैं आते थे तो यहाँ पे काफ़ी फिल्मी ऑफिस है तो मिलने के लिए आना होता था। ढाक की आवाज़ सुनाई दे रही है जो ढोल कहते हैं। और ये जो बिल्डिंग है ना यहाँ पे, तो फिर रिपीट करता हूँ कि ये श्रीदेवी का यहीं पे फ्लैट है। तो अभी तो वो नहीं रही लेकिन बोनी कपूर वगैरह यहीं पे रहते हैं अभी भी। और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं। और वैसे मैं कल आने वाला था, कल अष्टमी के दिन, लेकिन कल भाई साहब इतने जबरदस्त बारिश थी ना, क्या बताऊँ। और ये पंडाल आ गया है, चलो माता रानी के दर्शन करते हैं इस साल के लिए। दर्शन कर लिए बहुत अच्छे तरीके से और शॉर्ट वगैरह भी ले लिए। हैंडलूम्स वगैरह के जो सामान मिलते हैं वो सब है, लेकिन अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है, अपने को तो पेट पूजा करना है। हाँ तो यहाँ पे है सारे स्टॉल, तो अपन पहुँच गए स्टॉल में। तो इधर क्या होगा, झालमुरी वगैरह होगा। ये देखो बारिश हुई ना तो यह सब इंडोर कर दिया है और सब कचर बचर हो गया। ये देखो ये परचेज कर लेता हूँ, काशुंदी बोलते हैं। तो यहाँ तो मिलता है लेकिन ये है ना कि ये ऑथेंटिक है, मतलब कोलकाता का है, वेस्ट बंगाल का है, तो वहाँ की ऑथेंटिक मिठाइयाँ हैं। तो भाई मीठा तो मैं खाता नहीं उतना, तो मैंने कुछ खाया नहीं क्यों देखा, लेकिन मज़ा नहीं आया। बाकी तो नॉन वेज वगैरह है, तो नॉन वेज वगैरह आज नवरात्रे का 9वां दिन है तो फिर नहीं करेंगे। कल दशमी है तो घर में फिश विश लेके आएंगे, घर में बना लेंगे। और खाया कुछ नहीं है क्योंकि यार इतने भी भक्त नहीं है कि वो छोटे से समोसे 50 रुपये का, भाई बेवकूफ़ी है, मतलब इमोशंस में नहीं रहना है। तो इतने में लोखंड वाला मार्केट में चलते हैं, भरपूर डोसा वोसा कुछ खाते हैं, अच्छी तरह से खाते हैं और निकलते हैं। तो आज इस बार मैंने कुछ नहीं खाया यहाँ पे। सबके ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाए रखे हैं। मेरे फैमिली मेम्बर जो यूट्यूबर के फैमिली मेम्बर्स है, सब्सक्राइबर है और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका कल्याण हो, सबके ऊपर माता रानी अपना आशीर्वाद बना के रखे और मेरे ऊपर भी रखे। तो इस बार ही दर्शन हो गए, तो लगातार 3 साल दर्शन हो गए मेरे और तीनों साल मैंने ब्लॉग बनाया। तो अपनी थार जा रही है सामने, मैं ही चला रहा हूँ, बहुत जल्दी चलाऊँगा। तो इनवर्स से मांगते रहो तो इनवर्स पूरा करेगी एक नाइट डे। ये जो लोखंड वाला है ना, तो मैं वॉक कर रहा हूँ
तो यादें जाती नहीं है यार, मतलब गाना सही बनाया है कि बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। तो भाई इतने बेहतरीन दिन बिताए ना यहाँ पे, क्या बताऊँ अपने स्ट्रगल के दिन में और यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें याद आती है। काफ़ी बदल गया है लोखंडवाला, लेकिन चीज़ें मतलब वो मेमोरी से डिलीट नहीं होती है भाई, वो यादें याद आती है। तो मतलब क्या ही अच्छी यादें हैं, और इसलिए कहता है अच्छी यादें बनाओ, जो सोचो तो अच्छी अच्छी चेहरे पे मुस्कान आ जाए। मतलब गंदी गंदी चीज़ें होंगी तो गंदी गंदी यादें बनेगी तो आपको गुस्सा आएगा। तो यादें ऐसे बनाओ और ऐसे काम करो जो यादें बने तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। तो वो स्माइल आ रही है, बहुत चीज़ें देख रहा हूँ, और 10 साल पहले यहाँ पे था, ये था, वो था, तो वो सारी चीज़ें दिख रही है मुझे। और ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, मतलब जब मैं आया था तब भी हाई पॉइंट था। माँ भी आई हुई है यहाँ पे, तो माँ के साथ भी डोसा वगैरह खाया है यहाँ पे। डॉक्टर के पास जब भी आते हैं तो यहाँ पे आते हैं। 7:55 हो गया और लंच मिस हो गया, तो कुछ खाते हैं फटाफट और इसके बाद चाय पीते हैं, चाय की बहुत ज़रूरत है। अभी मुझे दिख रहा है माँ के साथ कभी उस टेबल पे बैठे होते थे, उस टेबल पे बैठे होते थे। माँ जब भी आती थी तो यहाँ पे उनको डोसा बहुत पसंद है साउथ इंडियन, तो डोसा खाती ही खाती थी, नहीं तो इडली खाती ही खाती थी। तो यार देखते देखते क्या हो जाता है, मतलब ठीक है यही लाइफ है। तो वो भी अच्छे दिन थे, लेकिन यादें अच्छी बनी है ना, कि आती थी तो स्माइल है, कि अगर यादें ख़राब होती तो नहीं याद कर पाते ना, तो इसलिए अच्छी यादें बनाई थी तो याद करके भी अच्छा लगता है। ये मैंने लिया है और ये ही लेता हूँ मैं, और ये एक बड़ा है और एक इडली है, और ये समर में डुबो के देते हैं, और साथ में एक नारियल की चटनी होती है, तो ये मेरा फेवरेट है। और घर में जाके खाना भी खाना है, जो दोपहर को खाना बना हुआ है ना, और आपको खाना है मुझे जाके, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक इंस्टा पे फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, फेसबुक और इंस्टा के लिए, तो साथ में वो काम भी चल रहा है, अपना डिजिटल काम भी चल रहा है, और यहाँ पे पेट पूजा भी चल रहा है। चाय भी आ गई है, मस्त अदरक वाली चाय है, स्ट्रॉन्ग है, कम शक्कर वाली है। चलो पेट पूजा हो गया। ये सामने ईडन है, तो बहुत पुराना केक शॉप है, बेकरी है, तो माँ का फेवरेट है तो ये ले जाते हैं। लोखंड वाला है तो एक बार ट्राई जरूर करना है यहाँ के केक। ये नेचुरल जो मिठाई है, इसमें खजूर वगैरह है, तो एडिड शुगर नहीं है, तो माँ के लिए ये ले चलते हैं। और अपना तो चलता है थोड़ा बहुत मीठा, काजू कतली वगैरह ले लेंगे। मिठाई भी होगी माँ की, बिस्किट भी हो गया। मैं आ गया इस मॉल में, कि मैंने कहा यहाँ तक आया हूँ तो बहुत सालों से इस मॉल में नहीं आया, तो मैंने कहा एक बार एंट्री कर ली जाए, पुरानी यादों को फिर जिया जाए। तो फिर मैं पहुँच गया हूँ, कभी कुछ बदल गया है। मोची, हाँ मोची पहले से भी था, अबे यहाँ बंद कर दिया, ये सब ये गैलरी था, तो सारी चीज़ें चेंज हो गई है। ऊपर फूड कोर्ट है, और फूड कोर्ट में काफ़ी अपने फिल्मों की या अपने प्रोजेक्ट की मीटिंग हम लोगों ने बहुत की है। सामने ही मेरा एप्लॉस इंटरटेनमेंट बोल के ऑफिस था, एप्लॉस इंटरटेनमेंट मतलब प्रोडक्शन कंपनी थी, जिन्होंने ब्लैक फिल्म बनाई रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन के साथ में, और बहुत सारे, और अभी भी बहुत सारे वेब सीरीज़ वगैरह बना रहे हैं। तो उनके साथ मैं 2-2.5 साल था, तो एज ए पोस्ट प्रोड्यूसर। तो ये इससे निकल के रोड क्रॉस करके उस तरफ था, तो जब भी पिक्चर देखनी होती थी या जब टाइम मिलता था तो इसी मॉल में आ जाते थे, पिक्चर देखते थे, शॉपिंग वॉपिंग कर लेते थे। तो मतलब वो सारी बातें याद आ रही है। ऊपर फूड कोर्ट है पूरा, तो यहीं पर अपन मीटिंग करते थे, और ऊपर से जाएंगे तो मल्टीप्लेक्स के लिए पिक्चर देखने के लिए ऊपर जा सकते हैं। अगर मानी होती तो मैं आज पिक्चर देख के ना लास्ट ट्रेन में जाता, सिंगल इसके मतलब मल्टीप्लेक्स में। बहुत दिन हुआ पिक्चर नहीं देखी, लेकिन अभी माँ है घर पे, तो फिर मैं फटाफट निकलता हूँ। इन्फिनिटी मॉल है अंधेरी का, और ये मेट्रो है सामने, और मेट्रो से सीधा बोरीवली चलते हैं। मेट्रो स्टेशन से ऑटो लिया है मैंने सिंपोली से, और बोरीवली स्टेशन जा रहा हूँ, और बोरीवली से फिर अपने जद्दोजहद शुरू होगी लोकल ट्रेन में। और ये विरार की ट्रेन निकल गई है, देख रहे हो कितनी भीड़ है, मस्त भीड़ है, ये पूरी जाम है, मतलब दरवाजे तक लटके हुए हैं।
तो मतलब इसके नेक्स्ट वाली ट्रेन में जाएंगे तो फिर अपने को भी ऐसे ठूस के जाना पड़ेगा। कोई नहीं, चले जाएंगे, ठूस ठास की आदत है यार। भाई लूट पीट के पहुंच गए विरार और पौने 11 बज गए भाई। अभी लोगों का सैलाब देखो पीछे, और ऊपर बादल भी गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। हेलो भाई, पहुंच गया हूँ। और ये थम्सअप इनमें तो ऐसा था कि जो बिस्किट बिस्किट लिया है मुझे लग रहा है कि चूरा हो गया होगा, तो मतलब सांस लेने की जगह नहीं थी। हमारी सोसाइटी में देखो ये चकाचौंध हो रही है, और आज नवमी है ना, नवमी में आपका पूरा डांडिया वगैरह चल रहा है। वहाँ पे अंदर नहीं जाऊँगा मैं शूट वूट करने के लिए, क्योंकि जानते नहीं है मैं ब्लॉगर हूँ कोई भी। तो ये देखो यहाँ पे मस्त वो हो रहा है, डांडिया चल रहा है, और सब हमारी सोसाइटी के ही है। और अभी 11 पार हो गए और ये माहौल है यहाँ पे, चलो देख लिया। और ये अपनी सोसाइटी है और यहाँ धमाल चल रहा है, डांडिया चल रही है। चलो फिर अपन चलते हैं घर। 11:10 के करीब हो रहे हैं और देखा धमाल कैसे मच रहा है नीचे। तो ये चलता रहेगा, आज नवमी है ना, लास्ट है, तो फिर आज तो 12-1 बजे तक चलता रहेगा। सब हो गया, बस वो खाने के बाद 1-1.5 घंटा बैठना होता तो बैठी हुई है। राधे राधे। हमारे लिए दवाई लेके आया हूँ, देखो अभी सब ठीक होने वाला है। डॉक्टर नीता का लेके आया हूँ, अब देखो सब बढ़िया हो जाएगा, अभी सब ठीक होने वाला है। और अभी एडिट कर रहा था और पता चला कि मैं एंडी नहीं लिया मैंने, और इस बार भी लेट हो गया। सोचा था कि 2-3 दिन में डाल दूंगा, फिर अगली सभा में मिलेंगे, अगली सभा में वही मिलेंगे जो माँ में और हॉस्पिटल वाली सीरीज है ना, उसमें बहुत कुछ कॉन्टेंट है। और दुर्गा पूजा वाली सभा आज यही पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।